तुम मत रहिए उदास, क्योंकि अब आ गया इतिहास एक बिस्पी डाला लेकर और आपका स्वागत स्वैग से करते हैं। देखा जाए आज पढ़ाने जा रहे हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। ग्रामर तो आप लोग का चल ही रहा है, ठीक है। आज पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन, वो भी बढ़िया वाला, ठीक है, एकदम इजी वे में। देखा जाए ट्रांसलेशन में आज आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस वी वन, ऐसा स्ट्रक्चर कब रहता है। देखा जाए जब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ना है, नी है, ने है, या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, लगा रहेगा, तो याद कर लीजिए आप, आपको ये वाला फॉर्मूला सेट करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस टू प्लस वी वन, याद रहे कभी भी। तो देखा जाए तो लास्ट में ना है, नी है, ने है, लगा रहेगा, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, लगा रहेगा, तो आपका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो ये मजबूरी को शो करता है, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर रहेगा वो मजबूरी को शो करता है। जैसे याद रखिए मुझे पटना जाना है, तो मुझे पटना जाना है, मुझे पढ़ना है, ये क्या है, मजबूरी शो कर रहा है, यार मुझे पटना जाना है, यार मुझे कमाना पड़ता है। बोलते ना जी हम लोग बात बातें बोलते हैं, देखो ना यार हमको घर पे बहुत काम करना पड़ता है, नहीं मुझे होमवर्क बहुत बनाना पड़ता है, ठीक है। तो लास्ट में ना है, नी है, ने है, लगा रहेगा, या पढ़ता है, पढ़ती है, लगा रहेगा, बात देखिए या तो ये लगा रहे इसका पहचान, या तो ये लगा रहे, दोनों का ट्रांसलेशन इसी पर बनेगा। तो देखा जाए मुझे पटना जाना है या मुझे पटना जाना पड़ता है, दोनों में मजबूरी है, मुझे पटना जाना है मजबूरी होगा, कुछ काम होगा पटना में आपका, या ऐसे बोलेंगे मुझे पटना जाना पड़ता है मजबूरी होगा, वहां पे आपका दुकान होगा या पढ़ने जाते होंगे, नहीं, क्लियर। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस रहेगा याद करेंगे हम लोग यही फॉर्मूला बनेगा, क्लियर। तो देखा जाए मुझे पटना जाना है या मुझे पटना जाना पड़ता है, फॉर्मूला पर ये सब्जेक्ट इसमें कौन है, मुझे का इंग्लिश क्या होता है आई, और आई में हैज की हैव, तो हैव लगता है, आई हैव टू लगाइए है ना, आई हैव टू, और विवन क्या है, क्या करना पड़ता है, जाना, तो जाना का विवन है, तो जाना का गो, और कहां जाते हैं, गो टू पटना, यस आई हैव टू गो टू पटना। अब इस पर कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू अर्न, मुझे कमाना पड़ता है, कुछ भी बनाइए सब बन जाएगा आपसे। तो देखा जाए उसे पढ़ाना पड़ता है, तो उसे क्या इंग्लिश ही, और ही में हैज लगता है, तो ही हैज टू टीच, यस। आगे देखिए रोहन सोहन को दौड़ना पड़ता है, तो सोहन हैज टू, हेलो सोहन हैज टू रन, कितना इजी है पूरी। पिताजी को कमाना पड़ता है, तो फादर, फादर, और फादर में क्या रहेगा, हैज लगाइए, फादर हैज टू, और गिवन क्या है, कमाना का इंग्लिश क्या होता है, अर्न, बन गया, ठीक है। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, क्लियर है। तो ये सब ऐसा कोई भी सेंटेंस रहेगा, सब को हम लोग यही फॉर्मूला में बना लेंगे, और ये मजबूरी से करता है, और कहा प्रेजेंट की बात करेगा, प्रेजेंट की बात करेगा, मुझे जाना, मुझे पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सब क्लास में ये सिंबल लगा रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट किया जाए, चलिए अब देखा जाए पास्ट में, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वी वन, ये कहीं लगा रहेगा, तो ये क्या शो कर रहा है आपका, ये भी मजबूरी को शो करेगा, लेकिन इसमें क्या लगा रहेगा हिंदी सेंटेंस में, परा, परी, परे, जैसे बोलेंगे कि मुझे जाना पड़ा, मुझे कमाना पड़ा, मुझे उसे पीटना पड़ा, तो परा, परी क्या मजबूरी शो कर रहा है इसमें भी, देखो ना मुझे पटना जाना पड़ा, मजबूरी डा होगा, लेकिन कहां, पास्ट में, अब पास्ट में है ये वाला, और ये भी मजबूरी को शो कर रहा है। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट वाला पढ़े थे, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है, तो सब में है लगा हुआ है, ये सब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, और यहां परा, परी, परे पर रुक रहा है, ठीक है। तो ये क्या आपका है, पास्ट है, क्लियर। और ये भी मजबूरी को शो कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला आपका ये है, चलिए मुझे पटना जाना पड़ा, आई, आई में हैड लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आई हैड टू गो टू पटना, बनाइए उसे, उसे कहेंगे ही, और ही में हैड लगाइए, ही हैड टू, और वर्ब क्या है, आना का कम, कहां आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, तो ही हैड टू कम हियर,
तुम्हें पैसा कमाना पड़ा, क्या हो जाएगा? यू हैड टू अर्न मनी। अब दुनिया का कोई भी सेंटेंस बोलिए इस पर, आप बना सकते हैं अपने से, है ना। मुझे बोलना पड़ा, मुझे बैठना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, कुछ भी बनाइए, सब इससे बन जाएगा। तो ये वाला आपका पास्ट का था, क्लियर है? लिया जाए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब देखा जाए ट्रांसलेशन में फ्यूचर। अब फ्यूचर का पढ़ेंगे, फ्यूचर देखा जाए। हम लोग प्रेजेंट पास्ट पढ़ लिए, अब फ्यूचर का देखा जाए। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव टू प्लस गिवन, है ना। एक चीज कॉमन आ रहा होगा, सब में गिवन आ रहा होगा, नहीं तो इसमें भी मजबूरी को शो करता है। लेकिन इसका सिंबल क्या होता है? पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेगी, और ये फ्यूचर के मजबूरी को शो करता है। जैसे हम बोलेंगे कि मुझे पटना जाना पड़ेगा, मुझे कमाना पड़ेगा, मुझे घर बनाना पड़ेगा, रोहित शर्मा को अच्छा खेलना पड़ेगा, ये सब क्या है? फ्यूचर का है, मजबूरी नहीं, ये काम आपको करना ही पड़ेगा, मजबूरी होगा नहीं। तो प्रेजेंट पढ़ लिए, पास्ट पढ़ लिए, और फ्यूचर की बारी है। और शैल विल कहा लगता है? आपको टेंस मैंने सिखा दिया है, आई विल में शैल, बाकी सब विल लगता है, क्लियर है? तो देखा जाए, उसे यहां आना पड़ेगा, क्या होगा? ही विल हैव टू कम हियर, एक्सैक्टली। बसंती को नाचना पड़ेगा, यस। तो बसंती विल हैव टू डांस, यस। मुझे पटना जाना पड़ेगा, तो आई शैल हैव टू गो टू पटना। चलिए मैंने कंप्लीट कर दिया, प्रेजेंट भी, पास्ट भी, और फ्यूचर भी। इससे आपको फायदा क्या होगा कि ट्रांसलेशन प्रेजेंट में कैसे बोलना है उसको, पास्ट में कैसे बोलना है, फ्यूचर में कैसे बोलना है, ये आपको क्लियर हो गया। अब इस पर तीन सेंटेंस मैंने बनाया है, आप चाहिएगा तो 500 1000 बनाइए अपने से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे हो चाहे नहीं।